हम आए आपसे दिखाने के लिए। बाबा से दिखाने के लिए जी, क्या जी, क्या दिखाना चाहते हैं? अपने शरीर, अपना शरीर लिखे है। हाँ। हे गुरु जी, रौड़ा अंतर आमी हती। हाँ। खाली शरीर के बता दी कि ठीक होई कि नाना। हाँ। कहे कि हम बहुत दुखी हती, हम बहुत दुख कटले बानी। कैसे ये मतलब आप लोगों की दोस्ती कैसे हो गई? बस इनकी लाचारी देख के हमको इनसे प्रेम हुआ और हम इनके साथ में है। इनका हाँ। जिनसे बनते हैं बिगड़े काम। चलो चलिए बागेश्वर धाम। तो कुछ बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार में तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं और इस मुराद से आ रहे हैं कि उनकी समस्याओं का निवारण हो जाए, उनकी समस्या सुनी जाए और उस दिव्य दरबार में उनकी अर्जी और पर्ची लगकर जो है उनकी समस्या को एकदम खत्म कर दिया जाए। तमाम भक्त दूर दूर से चलकर आ रहे हैं। यहाँ जितने भी लोग आपको मिलेंगे तमाम लोग पीड़ित हैं किसी न किसी समस्या से और इनकी एक ही आशा है कि बाबा जिस प्रकार से पर्चा बनाते हैं इनका भी पर्चा बना दे और इनकी समस्याओं को निवारण कर दे और समस्या को खत्म कर दें। एक ऐसे युवा है मित्रों हमारे साथ जो साधारण तो नहीं कहेंगे, असाधारण है, पढ़े लिखे हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं, हाथ का अंग ठीक नहीं है, शरीर का एक भी अंग काम नहीं करता है और इनकी समस्या बहुत बड़ी है। ये भी उसी उम्मीद के साथ आए हैं कि बाबा हमारी अर्जी को सुनेंगे और खुद ये पर्चा बनाकर आए हैं, बनाकर लेकर आए हैं। जब आप इनके पर्चे को सुनेंगे सर तो आपके आंखों से जो है कहीं ना कहीं सुधारा बहने लगेगी और आप विनम्र से नम्र हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने भावुक बातें कही हुई हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज। क्या? मनोज। मनोरंजन। मनोरंजन पासवान जी। क्या नाम हुआ? मनोज पासवान। ये बताइए मनोरंजन पासवान जी, क्या करने आए हैं यहाँ पर? दिखाने के लिए। बाबा से दिखाने के लिए जी। क्या दिखाना चाहते हैं? अपने शरीर। अपना शरीर। शरीर में क्या समस्या है? बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। शरीर का अंग काम नहीं करता है, ढंग से बोल भी नहीं पाते हैं। हाँ? भोजन करने में भी दिक्कत होती है। हाँ, होती चलने में भी दिक्कत है, होती है। लिख पढ़ लेते हैं आप? हाँ जी। पर्चा क्या लिख कर लाए हैं? पर्चा ये एक लिख कर आए हैं और एक माता जी हैं जो इनके यहाँ पर, ये भी भक्त ही हैं, गुरु जी की भक्त हैं लेकिन जो है भक्त दोनों एक साथ मिल गए और इनकी समस्याओं को सुनने के लिए, बताने के लिए इनके साथी के रूप में ये जो है मिल गई हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनैना मिश्रा हुआ। मिश्रा जी कहाँ से आई हैं आप? वैशाली जिला लोमा गाँव से। और ये भक्त मिले हैं हमको यहाँ पर। यहाँ पर मिले हैं। मिले तो कैसे ये मतलब आप लोगों की दोस्ती कैसे हो गई? बस इनकी लाचारी देख के हमको इनसे प्रेम हुआ और हम इनके साथ में है, इनका सहयोग कर रहे हैं। इनके सहयोग में तो इनको देखकर जो इनकी लाचारी उस पर आपको कहीं ना कहीं विचलित कर दिया आपको। बहुत बहुत। तो क्या लिखे हैं इन्होंने पर्चा? इन्होंने पर्चा इतना सुंदर लिखा है और हाँ। बहुत कम शब्दों में। किसके लिए लिखा है पर्चा? गुरु जी के। क्या लिखा है? लिखा है ये लिखे हैं भोजपुरी में, अपने भाषा भोजपुरी में लिखे है। हे गुरु जी, रौड़ा अंतर आमी हती। खाली शरीर के बता दी कि ठीक होई कि नाना। कहे कि हम बहुत दुखी हती, हम बहुत दुख कटले बानी। हाँ। बचपन में मम्मी पापा गुजर गईलन। हाँ। जवान भाई भौजाई सब घर से हमरा निकाल देले बारन। अब रौड़े पर शरण में आयल बानी, बाकी हमरा क्षमा करू। मेरा नाम निरंजन पासवान, ग्राम पोस्ट बैना थाना नगर जिला बक्सर जिला बिहार। हाँ। पिन कोड 8125। ये बक्सर से आए हैं और बाबा के नाम एक पर्चा बनाकर लाए हैं और इस पर्चे में कुछ ही शब्द हैं लेकिन उन शब्दों को जब आप सुनेंगे तो आपके अंदर भावुकता नजर आएगी। इन्होंने लिखा है, हे गुरु जी, रउआ अंतर्यामी बानी, खाली शरीर के खाली ठीक होई कि ना, खाली शरीर के बता दी कि ठीक होई कि ना होई। कहे कि हम बहुत दुखी दुख कटले बानी, बचपन में मम्मी पापा गुजर गए, जवान जो है बहन भाई भौजाई सब हमने के छोड़ दे, अब रउआ के शरण में आयल बानी, क्षमा करी। और हमार नाम मनोरंजन पासवान बा, ग्राम पोस्ट बैना थाना नाव नगर बा, जिला बक्सर बिहार से आयल बानी। ये इन्होंने ये मानसिकता अपने विचारों को इस पर व्यक्त किया और बाबा से पूछा है कि हे बाबा बता दीजिए हमारा शरीर सही होगा कि नहीं, क्योंकि जवान भाई बहन भौजाई ने हमको घर से निकाल दिया है, अब मेरी पीड़ा को कोई और नहीं काट सकता है, सिर्फ आप ही काट सकते हैं। ये अर्जी इन्होंने और लिखने में इतने असक्षम है कि अभी देखे हैं 3 घंटा में लिखे होंगे अपना। अच्छा, ये 3 घंटा में? 3 घंटा में लिखे हैं। हाँ। साइन करने में लगा है आधा घंटा इनको साइन करने में। हाँ। तो इसको लिखने में क्या लगता है बाबा इनका समस्या सुनेंगे? सुन लिए। हाँ। यहाँ पहुँच गए यानी कि सुन लिए वो। हाँ। तभी तो यहाँ आ गए बाबा, बाबा के पास आ गए तो इनकी समस्याओं का निदान हो गया है, हो जाएगा। अच्छा, आप क्या करने आई है यहाँ? और हम भी तो उनसे मिलने आए हैं। अच्छा, पहले कभी मिली उली है? नहीं, यूट्यूब पर देखते हैं उनको और मेरा पूरा फैमिली उनके शरण में है और इतना
यहाँ तो हम सौभाग्य मेरा नहीं है कि हम उनसे फेस टू फेस मिल आए, बस हम यहाँ आ गए यही सौभाग्य समझते हैं। मतलब यहाँ इस पंडाल की धूल लग गई है माथे पर, यही सौभाग्य। और हम सोच रहे हैं कि कैसे कल अभी को आए रहेंगे, क्या मेरे अंदर भाव होगा जब उनके सामने वहाँ बोलते रहेंगे और मैं देखूंगी यहाँ से। इस सोच के ही मेरा अजीब सा मतलब कि भाव आ रहा है मन में। मतलब बाबा से जो है इतना उनके भक्ति है, उनसे श्रद्धा है, आस्था है कि मतलब सोच नहीं पा रही कि किस तरीके से महाराज जी बोलेंगे और हम सुनेंगे। बस हम पंडाल को ताक रहे हैं कैसे वहाँ बोलेंगे और कैसे हम फेस टू फेस उनको देखेंगे। ये सौभाग्य हमको मिला। तो कुछ इच्छा उच्छा पूरी हो गई है क्या? इतना लगाव कैसे हो गया है? और बाबा बोलते लगन तुमसे लगा बैठी तो देखा जाएगा। और बाबा बोलते हैं कि बजरंगबली से प्रेम करो। तो बस हम लोग पूरा फैमिली बजरंगबली से बहुत प्रेम करते हैं। और शायद वही प्रेम की वजह से कि हम यहाँ पहुँच पाए हैं। और बस घर में तो हमेशा चलो चलिए बागेश्वर नाथ सखी है रामगढ़ा की नगरिया में, जिनसे बनते हैं बिगड़े काम, चलो चलिए बागेश्वर धाम। तो कुछ समस्या से हल हो गया है क्या उसका? बहुत 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 क्या बता, अब कितना बताएं हम, उतना तो बता नहीं सकते।